गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जया त्रिपाठी आपकी संस्कृत की टीचर, और आज मैं आप लोगों को संस्कृत में वंदना इस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ और आज मैं इसकी व्याख्या भी करूँगी। और गुड मॉर्निंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुप्रभात। तो आप सभी को सुप्रभात। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक बार और, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति समन्वितः, अति सुंदर देवेश, नमस्ते जगदीश्वर। ये जो चिन्ह है वो क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ठीक है, आप लोग को ग्रामर में पढ़ाया गया ना हिंदी व्याकरण में। एक बार और, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति समन्वितः, समन्वित, अति सुंदर देवेश, नमस्ते जगदीश्वर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे का अर्थ होता है सभी। सर्वे का क्या अर्थ होता है? सभी। सुखिना का अर्थ होता है सुखी। सुखिना का अर्थ होता है सुखी। और भवंतु का क्या अर्थ होता है? हो। भवंतु का क्या अर्थ होता है? हो। सभी सुखी हो। सर्वे का अर्थ होता है सभी, भवंतु का अर्थ होता है हो, और सुखिना का अर्थ होता है सुखी। सभी सुखी हो। सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया। सर्वे का क्या अर्थ होता है? सभी। संतु का अर्थ होता है हो, निरामया का अर्थ होता है रोग रहित। क्या? रोग रहित। सभी रोग रहित हो, सभी रोग रहित हो। क्लियर हो रहा ना बेटा? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे का क्या अर्थ होता है? सभी। भद्राणि का क्या अर्थ होता है? कल्याण। क्या अर्थ होता है? कल्याण। पश्यन्तु का क्या अर्थ होता है? देखें। पश्यन्तु का क्या अर्थ होता है? देखें। सर्वे का अर्थ होता है सभी, भद्राणि का अर्थ होता है कल्याण, और पश्यन्तु का अर्थ होता है देखें। सभी कल्याण देखें, सभी कल्याण देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो नीचे जो पाई है ना, वो क्या है? हलंत है। क्या है? हलंत। हलंत का क्या अर्थ होता है? जिस, हलंत कहाँ लगाया जाता है? जिस व्यंजन में स्वर न हो। ठीक है, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कश्चित् का अर्थ होता है कोई। क्या अर्थ होता है? कोई। कश्चित् का अर्थ होता है कोई। दुःख भाग्, दुख का भागी, दुख का भागी। मां का अर्थ होता है नहीं। मां का क्या अर्थ होता है? नहीं। भवेत का क्या अर्थ होता है? हो। कोई दुख का भागी ना हो, कोई दुख का भागी ना हो। क्लियर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण देखें।
माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कोई भी दुखी ना हो। देखो नेक्स्ट, अगला श्लोक देखो। सर्व व्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित अति सुंदर देवेश नमस्ते जगदीश्वर। सर्व व्यापक का अर्थ होता है सब जगह रहने वाला, सब जगह रहने वाला, क्लियर। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। सर्वशक्ति समन्वित का अर्थ होता है कि संपूर्ण शक्ति वाला, संपूर्ण शक्ति वाला, ठीक है। देखिए अति सुंदर का क्या अर्थ होता है, अति सुंदर का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर। देवेश का अर्थ होता है देवताओं का स्वामी, देवताओं का स्वामी, ठीक है, देवताओं का स्वामी। जगदीश्वर का अर्थ होता है जगत का स्वामी अर्थात संसार का स्वामी, क्लियर। देखिए ही सर्वव्यापक अर्थात ही सभी जगह निवास करने वाले, ही सभी जगह रहने वाले, सब कुछ जानने वाले, संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण, अत्यंत, अति का होता अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर देवताओं और जगत के स्वामी, अत्यंत सुंदर देवताओं के स्वामी, ये भी होगा अति सुंदर देवताओं के स्वामी, हे जगदीश्वर, हे संसार के स्वामी, आपको नमस्कार है। क्लियर हो रहा बेटा? देखो सब जगह निवास करने वाले, हे सर्वव्यापक, हे सभी जगह निवास करने वाले, सब कुछ जानने वाले, संपूर्ण शक्तियों से युक्त, अति सुंदर देवताओं के स्वामी, संसार के स्वामी, हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। क्लियर हो गया? तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, मैंने एक एक शब्द का मैंने यहाँ पे अर्थ को बताया है, जो भी अर्थ इसका मैंने बताया है। तो आप लोग बेटा अच्छे से आप लोग अर्थ समझ जाओगे ना, तब आप लोग को ये जो श्लोक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जितने भी शब्द होते हैं उसके मैंने प्रत्येक शब्द के मैंने अर्थ को यहाँ पर बताया है।